नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच लॉकडाउन के चलते रोज कमाने खाने वाले मजदूरों का जीवन यापन और अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में जबलपुर पुलिस द्वारा ऐसे जरूरतमंद परिवारों की मदद की जा रही है। उसी क्रम में जबलपुर के संजीवनी नगर थाना अंतर्गत शांति नगर बस्ती में संजीवनी नगर थाना पुलिस द्वारा ऐसे परिवारों को राशन का वितरण किया गया और बच्चों के लिए भी फल और बिस्किट दिए गए। संजीवनी नगर थाना प्रभारी भूमेश्वरी चौहान ने बताया कि संजीवनी नगर पुलिस द्वारा लॉकडाउन के दौरान ऐसे जरूरतमंद परिवारों की मदद की जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मजदूरी करके यापन करने वाले परिवारों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो चुकी है। इसलिए पुलिस द्वारा ऐसे परिवारों को चिन्हित करके राशन का वितरण किया जा रहा है। जो अभी लॉकडाउन के मद्देनजर हम लोग ने देखा कि कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है और निराश्रित है, तो हमारा ये मानना है कि उनकी किसी तरह से छोटी सी मदद हो जाए। तो इस तरह हमने यहाँ पे आज कुछ खाद्यान्न का वितरण किया है जो निराश्रित परिवार है उनको, कि वो ताकि उनको परेशानी ना हो, और बच्चों के लिए भी बिस्किट्स और फ्रूट्स के कुछ लेके आए थे ताकि उनको हेल्दी डाइट कभी मिल सके। तो आज हमारा थाना संजीवी नगर से ये प्रयास रहा है कि किसी को खाने पीने में समस्या ना हो, खाद्यान्न की समस्या ना हो, जो निराश्रित है जिनके घर में कोई नहीं उनको चिन्हित करके यहाँ वितरण किया गया है।